जो भी स्टूडेंट बीसीए कर रहे हैं या करने की सोच रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि बीसीए करने के बाद क्या क्या जॉब होते हैं, तो वो थोड़े से परेशान होते हैं. तो आज उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स एंड अपने कंटेंट को. ओके, चलिए स्टार्ट. देखिए, टॉप 10 करियर ऑप्शन आफ्टर बीसीए. बीसीए करने के बाद ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शन है, आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है टेक्निकल एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट. उसके बाद वेब डेवलपर आ जाता है आपका, डिजिटल मार्केटर आ जाता है आपका फोर्थ नंबर पे. फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग. उसके बाद से आपका सिक्स नंबर पे आता है बैंकिंग सेक्टर के लिए. सेवन नंबर पे ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव. एट नंबर पे आपका एजुकेटर आ जाता है. नाइन नंबर पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आ जाता है आपका. टेन नंबर पे आपका ब्लॉकचेन डेवलपर आ जाता है. तो ये कुछ टॉप 10 आपके कैरियर ऑप्शंस है. एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बीसीए करने के बाद डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं और करते भी हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं बीसीए के बाद एमसीए यानी मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए का कोर्स करना चाहते हैं. तो वो लोग एमसीए के बाद भी जॉब पा सकते हैं. कुछ लोग जो बीसीए के बाद डायरेक्ट जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए ये सारी चीजें हैं. ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी. बस आप लोग इस चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु से जुड़े रहेगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ओके, अब हम लोग जान लेते हैं इन सारे जो आपके टॉपिक है इसके अंदर के कंटेंट क्या है, थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं. ओके, चलिए देख लेते हैं. चलिए ओके, आगे आपका फर्स्ट नंबर पे टेक्निकल एनालिटिक्स. ठीक है, इस टेक्निकल एनालिटिक्स देख लेते हैं क्या है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जॉब ऑप्शन. मतलब ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपका जॉब के लिए बीसीए करने के बाद. ओके, आफ्टर द बीसीए कोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडेड. मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें इंक्लूड है जो आपके बीसीए करने के बाद जॉब के लिए अच्छा बेनिफिशियल देगा. ठीक है, एग्जीक्यूटिंग आईटी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर एंड सिस्टम टू इनहेंस इफिशियंसी. ओके, सजेस्टिंग ई कॉमर्शियल एंड कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशनल एप्लीकेशन. ये मतलब आपको काफी अच्छी चीजें को सजेस्ट करने के लिए आपका टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हो गया, इन सारी चीजों के लिए बहुत ही बेस्ट है आपका टेक्निकल एनालिटिक्स. प्रिडिक्टिंग द इन द स्टॉक मार्केट फॉर स्कीम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब जो आपके टेक्निकल मार्केटर की चीजें होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें आपको बताई जाती है. उसके बाद टू अलाउ बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड. इस फील्ड में यानी कि इस टेक्निकल एनालिटिक्स फील्ड में आपको काफी अच्छी नॉलेज के साथ, काफी अच्छी सैलरी के साथ इसमें आपको मिलेगा आफ्टर बीसीए करने के बाद. एडिशनल आपके सर्टिफिकेशंस लाइक एसक्यूएल एंड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस. एमएस ऑफिस का आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज होगा कि एमएस ऑफिस क्या है, इसके क्या क्या यूजेस है, कैसे करना है. विल बी हेल्पलेस सर्विस एज डेटा एनालिटिक्स मास्टर्स प्रोग्राम. मतलब प्रोग्राम के बारे में आपको बताया जाएगा चीजें क्या है और कैसे उसका यूज किया जाता है. कैन बी ग्रेट रिसोर्स फॉर लर्नर्स टू गेट स्टार्टेड. मतलब जो अभी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीजें, मतलब आप बीसीए करने के बाद आप बेस्ट तरीके से इसको कर सकते हैं. ये हमने देखा टेक्निकल एनालिटिक्स के बारे में. अब हम देख लेते हैं इसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा कैरियर ऑप्शन है बीसीए के बाद. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. चलिए दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है डेटा साइंटिस्ट. डेटा साइंटिस्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं. आफ्टर द बीसीए कोर्स इट इज अ मच डिस्ट्रैक्ट जॉब विद द फील्ड ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. ये चीजें डेटा साइंटिस्ट का आप कर सकते हैं. हाउएवर क्रिएटेड एडिशनल सर्टिफिकेशन लाइक, इसमें आपको कुछ चीजें मिलेंगी जैसे कि डेटा विजुलाइजेशन करने के लिए, डेटा को कैसे हम कर सकते हैं विजुलाइजेशन, उसको सारी चीजों को, बिग डेटा एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड नीडेड. अपार्ट फ्रॉम इसके सारे जो पार्ट होते हैं वो आपको एक एक पॉइंट के बारे में आपको सारी चीजें बताएंगे. जब आप बीसीए का कोर्स करें उसमें आपको फंडामेंटल से लेकर के
मैथ्स के जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें कराया जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम द बीसीए डिग्री टू इंटर दिस जॉब, मतलब बीसीए का जॉब करने के बाद आप इस डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में जा सकते हैं, काफी अच्छी आपको ग्रोथ होगी इसमें। एज पर एम्बिशन बॉक्स और डेटा साइंटिस्ट एवरेज बेसिक एनुअल सैलरी स्टार्टिंग, मतलब इसके जो आप जॉब करेंगे तो आपकी सैलरी जो होगी स्टार्टेड होगी वो आपकी बेसिक सैलरी होगी 11.0 लाख एंड कैन गो इवन हायर, मतलब स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद जैसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी का ग्रोथ होगा। ओके, आवर क्लास पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डेटा साइंस कैन बी ग्रेट लर्निंग एक्सप्रेस फॉर लर्नर्स एंड एट द बिगनर्स ऑफ दियर कैरियर, मतलब जो कोई ग्रेट लर्नर, मतलब अगर कोई किसी को बहुत अच्छा नॉलेज है तो वो, और अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप किसी फील्ड में जाते हैं तो आपकी नॉलेज जो होती है वो डेवलप होने लगती है। तो ये चीज था डेटा साइंटिस्ट के बारे में कि हम बीसीए करने के बाद डेटा साइंटिस्ट की जॉब अगर करते हैं उसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट कौन सा ऐसा जॉब है, वेब डेवलपर। वेब डेवलपर भी बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है आफ्टर बीसीए। बीसीए करने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से वेब डेवलपर भी बन सकते हैं। वेबसाइट वगैरह जो आजकल बन रही है वो वेब डेवलपर के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, वेब डेवलपर ही होते हैं हम जैसे ही कुछ लोग होते हैं जो सारे कोर्स को करके आराम से अपना जॉब करते हैं। द जॉब कैन बी ऑप्टेड फॉर बाई बीसीए ग्रेजुएट्स एज अ सॉलिड कैरियर ऑप्शन, मतलब ये आपका बीसीए करने के बाद बहुत ही बेस्ट वेब डेवलपर का आपका जॉब होता है एंड मेनली इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट होती है उसको मेंटेन करना अच्छी तरीके से कि कोई भी डेटा हो वो इधर से उधर ना जाए, उसके लिए हमारे पास बेस्ट वेब डेवलपर होना चाहिए। जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके उस वेबसाइट को बनाए ताकि जो हमारी वेबसाइट हो वो देखने में और अच्छी लगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे वो चीज। एडिशनल सर्टिफिकेशन एंड स्किल लाइक, आपको सीखने के लिए इसको आपको बना करने के लिए वेब डेवलपर के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, लाइक आपका हो जाता है जावा स्क्रिप्ट होना चाहिए, HTML आना चाहिए आपको, PHP है एंड CSS, HTML आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये आपको आना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है लेकिन आपको वेब डेवलपर के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट, HTML एंड PHP एंड CSS आपको आना चाहिए। एट द रिक्वायर्ड, मतलब टू गेट बेटर जॉब, मतलब वेब डेवलपर के लिए आपको जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, PHP हो गया, CSS हो गया, ये चीज के लिए ज्यादा कंपलसरी होता है, इसकी जरूरत वेब डेवलपर के लिए इसकी जरूरत होती है। ऑफर इन ऑफर द फील्ड, इस फील्ड के लिए ये चीज आपको होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एम्बिशन बॉक्स ऑफ वेब डेवलपर एवरेज बेसिक सैलरी, हम देख लेते हैं इसमें कि बीसीए करने के बाद अगर हम वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसकी बेसिक सैलरी क्या हो सकती है, कहाँ से स्टार्टेड होगा। ओके, इसकी जो बेसिक सैलरी होगी एनुअल सैलरी स्टार्टेड है ₹3.5 लाख, मतलब यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो, बाकी वो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहां पे क्या स्टार्टेड है, बट ये स्टार्टेड सैलरी आपकी 3.2 लाख होता है। बी प्रोवाइडेड अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फुल स्टैक वेब, मतलब फुल स्टैक वेब का भी होता है। तो ये थी बीसीए करने के बाद वेब डेवलपर बनने का कैरियर ऑप्शन। तो आई होप जो मैं सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होगी तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहाँ पे विजिट कर दीजिएगा। ओके, ठीक, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट आपका होता है डिजिटल मार्केटर, हम देख लेते हैं क्योंकि डिजिटल मार्केटर का भी बहुत ज्यादा स्कोप है आज के समय में। डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत है, बीसीए करने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। बीसीए आपका 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर्स होते हैं, इसको करने के बाद डायरेक्ट आप जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट है नहीं मैं बीसीए के बाद अभी एमसीए करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो आप एमसीए करने के बाद भी जॉब पा सकते हैं, बहुत अच्छे से अच्छी जॉब आपको मिलेंगे। ओके, बाकी आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहाँ पे विजिट करिए, आपको सारी चीजों के बारे में डिटेल्स दिए जाएंगे कम्प्लीटली। ओके,
अब देख लेते हैं हम कि डिजिटल मार्केटर क्या है और इसका बीसीए करने के बाद जॉब के लिए क्या यूज है। ओके, हम थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे देखेंगे, बाकी आप इसको थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा। जो भी कहीं कंफ्यूजन होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा, अदरवाइज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या विथ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ग्रोइंग विथ लॉन्ग स्ट्राइड्स, मतलब ये काफी लंबे समय के लिए होता है डिजिटल मार्केट। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत, जो हमारे एड्स है, जो हमारे एप्लीकेशंस वगैरह होती है, क्योंकि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वो डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि जितने ज्यादा आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना स्कोप करेंगे उतने ज्यादा आपका होगा। तो ये चीज है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर बीसीए, मतलब ये बीसीए करने के बाद बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एवरी स्टूडेंट के लिए। ओके, ग्रेजुएट मतलब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्कोप है। द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडेड वेब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड सर्च इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इसको करने के लिए आपको जो कंटेंट होता है मार्केटिंग में कैसे एनालिसिस किया जाए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम बीसीए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब भाई एक्सपीरियंस होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि किसी भी फील्ड के लिए हमें सीखना पड़ता है, बिना सीखे तो कोई कर नहीं सकता है, उसके लिए हमें लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी मिलना असंभव नहीं है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा तो आप आराम से किसी भी चीज को पा सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। ओके, विथ ऑनलाइन टूल्स इज ग्रेटली प्रिफर्ड अवर, मतलब ऑनलाइन जो आपके सारी चीजें होती है वो आराम से आप इसको कर सकते हैंड टू हैंड। ओके, अवर IMT गाजियाबाद डिजिटल मार्केटिंग, गाजियाबाद में एक डिजिटल मार्केटिंग है, वहां पे वो चीज आपको देखने को मिलेगा। प्रोग्राम कैन बी योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बिकमिंग एन डिजिटल मार्केटर, मतलब ये जो आपकी है कंपनी एक IMT गाजियाबाद में डिजिटल मार्केटिंग का, वो आपका प्रोग्राम एक रन करके, क्योंकि कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको सारी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सारी चीजें आपको मिलेगा। ओके, और हाँ, अगर आप कोई क्लास, अगर आप बीसीए में और बीसीए के अगर आप क्लास करना चाहते हैं, बीसीए कोई भी सेमेस्टर का हो, और आपको परेशान होते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ू कैसे करूँ, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि जो आपका परिवार है यूनिक ग्रुप, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप, ये आपको कम्प्लीट सब्जेक्ट के साथ कम्प्लीट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ओके, अब हमने, आपने कुछ समझा डिजिटल मार्केटर क्या है कैसे है, तो ये सारी चीजें थी डिजिटल मार्केटर के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा ऐसा जॉब है बीसीए करने के बाद, आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या है, इट इज एन एंट्री लेवल जॉब पोजीशन फॉर बीसीए ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन मतलब जो आपका बीसीए ना, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है ये, आपको बीसीए करना मतलब जैसे बीसीए ट्वेल्थ के बाद, आफ्टर ट्वेल्थ बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बीए बीएससी बीकॉम करते हैं, तो अगर आप साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो लोग बीसीए का कोर्स करते हैं। बीसीए भी अपने आप में बहुत ही बेस्ट कोर्स है, कंप्यूटर के फील्ड में अगर आपको जाना है तो बीसीए एज अ गुड। ओके, ट्रेनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग, मतलब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब ये होगा कोई हमारा सॉफ्टवेयर है उसे हमें बनाना है, उसे हमारे बढ़िया तरीके से वो मेंटेन या अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से मेंटेन अच्छे नहीं होगा तो वो देखने में वो सारी चीजें हमें समझ, तो उसको बनाना क्रिएटिव, मतलब जितना ज्यादा क्रिएटिव आप बनाएंगे और उसे अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे, तो वो हम ज्यादा ही होता है। तो आप जितना ज्यादा अपना माइंड अपना बढ़िया सा काम करेंगे वो, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, ये किसी भी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डेटा, डेटा को बढ़िया से मेंटेन करना एप्लीकेशन वगैरह को, वाइल Also learning and gaining hand expressions in different computer program. मतलब ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के अलग अलग प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज है, जावा है, HTML है, जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, मतलब बहुत सारी चीजें, तो अलग अलग चीजों के लिए जैसे हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए क्या करना है, कौन सी प्रोग्राम को लर्न करना है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोग के लिए लेके आएंगे कि अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोग्रामिंग ज्यादा, डी ऐसे भी आपका होता है,
डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, वो भी बहुत ही बेस्ट आपका प्रोग्राम होता है। इन सारी चीजों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके जरूर आएंगे कि DSA क्या है, कैसे है, उसके क्या यूजेस है। ओके, वंस द सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग बिकम्स एडिशनल पार्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब कोई आप पार्टिकुलर एक लैंग्वेज भी सीख करके आप बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपर का आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है तो उसमें आप पार्टिकुलर कोई भी एक अच्छा सा, पाइथन लैंग्वेज है आपका, आपका मैंने अभी बताया DSA लैंग्वेज है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस, तो कोई भी एक लैंग्वेज आप सीख लेंगे जो कि आपको आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बेस्ट होगा। ओके, दे आर टास्क्ड विथ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, ठीक है, सिंपलर फुल स्टैक जावा डेवलपर। ठीक है, आपको जावा डेवलपर, मतलब इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं ट्रेनिंग में, तो वहां पे आप ये कर सकते हैं, पार्टिकुलर आपको कोई बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है तो उस सारी लैंग्वेजेस को आप साथ में सारी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर आप कोई एक लैंग्वेज भी अगर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो आप आराम से सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हैं जॉब के लिए। ओके, आई होप ये जो भी सारी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके, मैं बताने का पूरा कोशिश करूंगी आप लोगों को अपना 100% देकर के कि आपको चीजें समझ में आए। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं होना है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमें कॉल करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके BCA से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। बैंकिंग सेक्टर आपका आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर, बैंक में भी आप जॉब कर सकते हैं काफी अच्छी सैलरी के साथ और काफी अच्छी जॉब होती है। ठीक है, आफ्टर द BCA, BCA करने के बाद आप डायरेक्ट बैंकिंग में भी जॉब कर सकते हैं 3 इयर्स का अपना BCA कंप्लीट करने के बाद। डिग्निटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर हैज ऑप्टेंड अ बैंकिंग जॉब फॉर BCA ग्रेजुएट, जो BCA के ग्रेजुएट्स हैं, मतलब BCA कंप्लीट करने के बाद अपने 3 साल आप वो जा सकते हैं आराम से बैंकिंग सेक्टर में, बहुत ही बेस्ट आपका जॉब होता है। दैट यूजुअली इंक्लूडेड टेक्निकल रोल, मतलब टेक्निकल चीजों के बारे में क्या है कैसे वो आराम से बैंक में अपना जॉब कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से, अगर उनको, अगर वो BCA अपना 3 साल बढ़िया से मेहनत तरीके से अगर वो स्टडी कर लिए तो वो किसी भी फील्ड में अपना अच्छा स्कोप कर सकते हैं जॉब से रिलेटेड। ओके, ये चीज है। इसके बाद द एप्लीकेंट्स नीड टू बी थ्रोली वेरस इन फाइनेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड टू एस द इंटरव्यू फॉर द जॉब ऑफर, मतलब ये जो आपका होता है बैंकिंग सेक्टर में ये सारी चीजें आपको, बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जो ग्रेजुएशन लेवल है आप इंक्लूडिंग कुछ टेक्निकल चीजें आपकी होगी, BCA करा तो जाहिर सी बात है कि आपको टेक्निकल चीजें आती होगी, फंडामेंटल है, मैथ्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखेंगे, सी लैंग्वेज है, पाइथन है, और अलग से आप लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारी आती है उसको करने के बाद, और आपको रीजनिंग, कुछ लॉजिकल रीजनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं कैसे हैं। ओके, तो ये था कुछ बैंकिंग सेक्टर के बारे में कि क्या चीजें हैं कैसे हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी चीजें बताने की कोशिश करूंगी, जो लोग परेशान होते हैं कि BCA कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो उनको परेशानी होती है कि क्या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बहुत ही आराम से बहुत अच्छे तरीके से आपको जॉब मिल जाए, तो बिना किसी संकोच के आप BCA का कोर्स करिए, अच्छी खासी सैलरी होती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, आई विश आ करते हुए ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव, ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव क्या है ये देख लेते हैं। तो ये है आपका, न्यू एनवेंस हैव बीन ऑप्टेंड अप फॉर BCA ग्रेजुएट विथ द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स का भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, BCA करने के बाद आप ई कॉमर्स का भी कर सकते हैं। द ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंपनीज, कंपनी को कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव में। ओके, डिजिटल एंड रिलेट प्रेजेंस अकॉर्डिंग टू एम्बिशन बॉक्स द एवरेज बेसिक एनुअल सैलरी, मतलब इसमें भी एक इसको करने के बाद मतलब कुछ कुछ आपके ऐसे थे जिसमें आपको बेसिक सैलरी बताई, बाकी आप जब जॉब करेंगे तो वहां पे आपकी सैलरी डिपेंड ऑन
आपकी कंपनी कि क्या कंपनी है, कैसे है, उसकी सैलरी, सारी चीजें। सैलरी ऑफ एन ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव इज रुपीज 2.4 लाख। मतलब यहाँ से आपकी आपकी जो एनुअल बेसिक सैलरी आपकी 2.4 लाख से स्टार्टेड है। बाकी आप जब जैसे आपका कम्युनिकेशन, आपका काम करने का तरीका अच्छा होगा, आप उतनी अच्छी सैलरी को ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, तो ये था ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव। बीसीए करने के बाद जो बीसीए ग्रेजुएट्स हैं, बीसीए जो कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, वो परेशान होते हैं क्या, तो ये सारी चीजें कुछ टाइप, तो ये जो बीसीए कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। तो वीडियो को बीच में स्टॉप नहीं करना, वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमें देखना है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए बीसीए से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन। बीसीए ही नहीं, अगर आप कंप्यूटर के कोई भी कोर्स कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना होते हुए आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को कमेंट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर आप हमें वहाँ कॉल करिए, आप हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं ई कॉमर्स के बाद हमारे ऐसी कौन से जॉब है बीसीए करने के बाद। नेक्स्ट, एजुकेटर। एजुकेटर के क्षेत्र में भी बीसीए करने के बाद आप अच्छा से अच्छा अपना स्कोप कर सकते हैं सैलरी और जॉब से रिलेटेड। ठीक है, बीसीए स्टूडेंट हु प्रोसेस सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट क्या मैटर है आपको, मतलब बीसीए में आपने क्या लिया है। बीसीए में तो हालांकि सेमेस्टर वाइज आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 इयर्स का होता है, तो आपके अलग अलग होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है बहुत। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज क्या होती है, सिलेबस सेम कराती है। ओके, और कुछ यूनिवर्सिटी में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, पर चीजें वैसे सब आपका घुमा फिरा करके दिया जाता है। तो सब्जेक्ट मैटर थीसिस एंड आर गुड इन एकेडमिक्स कैन टेक अप अ टीचिंग जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। मतलब कि बीसीए का बीसीए करने के बाद अगर आप एजुकेटर के क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो प्रोसेस होता है वो सब्जेक्ट आपका मैटर करता है कि क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, कहीं पे भी क्या आपका बेस्ट है। ठीक है, एक्सपर्टाइज, आप एक्सपर्टाइज करेंगे कि क्या चीज है, ये आपका एक्सपर्टाइज कराया जाएगा। आर एंड आर अ गुड इन एकेडमिक के लिए बहुत ही बेस्ट टीचिंग जॉब आफ्टर ग्रेजुएट। मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस हायर। मतलब इसका है कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं और ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो बीसीए ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं अपने अपने आपके जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जो टीचर्स को हायर करते हैं। तो अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीसीए करने के बाद अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या आप अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी कोई लैंग्वेज, बहुत अच्छा कमांड है आपका, पकड़ बहुत अच्छी है, तो आप आराम से तो जो इंस्टीट्यूट और आपके ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म होते हैं वो बीसीए ग्रेजुएट जो होते हैं उनको हायर करती है अपने इंस्टीट्यूट के लिए कि ये स्टूडेंट या ये जो टीचर है वो बेस्ट है, ये हमारे एजुकेशन के जो हमारा इंस्टीट्यूट है या हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके लिए इस सब्जेक्ट की ये टीचर बेस्ट है। ओके, तो ये मतलब आप एजुकेटर के क्षेत्र में भी जा सकते हैं आफ्टर बीसीए करने के बाद। बीसीए ग्रेजुएट एज पार्ट टाइम और फुल टाइम टीचर, ये अभी मैंने बताया ना, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट कैसा है और वहां पे आपकी जरूरत कितनी है, पार्ट टाइम के लिए या फुल टाइम के लिए। अगर बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, अब डिपेंड इसमें एक बहुत अच्छा डिपेंड करता है आपकी लर्निंग, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है किस चीज के लिए। तो जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आपको फुल टाइम के लिए भी इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने पास वो लोग रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके थोड़ा सा आपको कम नॉलेज, ऐसा नहीं कि नॉलेज है, और क्या होता है इसमें ये भी रोल करता है आपके पास टाइम कितना है, आप अपना टाइम कितना देना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा माने रखता है। और जैसे आप फुल टाइम के लिए अगर वो हायर करते हैं या फिर हाफ टाइम के लिए हायर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी पे भी डिपेंड होता है। तो ये चीजें हैं आपकी। ओके, द सैलरी कोरिस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ हावर्स। मतलब बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपका सैलरी जो आपकी होती है वो आपका डिपेंड करते हैं आपके हावर्स पे। आप जैसे 1 घंटे पढ़ा रहे तो उसकी क्या सैलरी होगी, 2 घंटे पढ़ा रहे तो कितना होगा, 4 घंटे पढ़ा रहे तो कितना होगा, तो वो डिपेंड करता है डियर आप लोगों का, आपके इंस्टीट्यूट एंड आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ टीचिंग एंड द
ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ओके, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके रिगार्डिंग आपकी सैलरी डिपेंड करती है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीसीए कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप बढ़िया तरीके से एजुकेटर के क्षेत्र में जा सकते हैं, अपना अच्छे से जॉब कर सकते हैं। ओके, आई होप जो भी मैं ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद क्या आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसको बीसीए करने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी भी जॉब कर सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं, इट इज अ मच सॉट आफ्टर जॉब फॉर मेनी बीसीए ग्रेजुएट। मतलब जो भी बहुत से बीसीए के ग्रेजुएट हैं ये आपका जॉब कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी का, विद द जॉब रोल कनेक्टेड विद नेटवर्किंग। नेटवर्क से रिलेटेड आपका ये चीजें होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का भी जॉब कर सकते हैं आफ्टर अ बीसीए। एप्लीकेशंस एंड मेंटेनिंग डेटा सिक्योरिटी यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेटा होता है, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इन द सेंस डेटा सिक्योरिटी, जो हमारा एप्लीकेशन है, हम कंप्यूटर चलाते हैं, हमारे कंप्यूटर में भी साइबर सिक्योरिटी होता है, क्योंकि अगर हम साइबर सिक्योरिटी नहीं होगा तो ये हमारे एक सुरक्षा का वर्क करता है साइबर सिक्योरिटी। ठीक, जो हमारा एप्लीकेशन हो गया, हमारा डेटा हो गया, तो मैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डेटा को पूरा कंप्लीट सिक्योर करने के लिए डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट होना भी, तो आप अगर डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट का जॉब कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और होगा। विद अ फ्यू एडिशनल सर्टिफिकेशन, मतलब इसके साथ आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी एडिशनल, बीसीए करने के बाद भी आपको कुछ अलग से चीजें सीखनी होंगी इन सारी जॉब को करने के लिए। ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। द अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप इवन फर्दर एक्सप्लोरर सिंपलर एडवांस एब्जिटिव। मतलब कुछ आपके एडवांस चीजें होंगी, जैसे प्रोग्रामिंग है आपका कोई, मैथ्स है आपका, मैथ में भी ऐसे बहुत सारी चीजें, आपको मैथ्स भी आना चाहिए। बहुत से इसमें परेशान होते हैं कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ या फिर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैथ्स तो ठीक है, कॉमर्स के से साइंस के आपके आर्ट्स के स्टूडेंट, और वो परेशान होते हैं कि मैं तो मैथ्स नहीं लिया हूँ, बीसीए मैथ्स आता तो मैं बीसीए कर नहीं सकता हूँ। बिल्कुल भी डियर, आप परेशान नहीं होइए, चाहे वो मैथ्स के आप बैकग्राउंड के हों, चाहे वो आप आर्ट्स के हों, चाहे आप ई कॉमर्स के हों, चाहे कॉमर्स के, कुछ भी हो आप बीसीए कर सकते हैं बहुत अच्छे से। थोड़ा बहुत मैथ आएगा आपका तो वो तो आप उतना पढ़ सकते हैं, 10+2 तक मैथ पढ़ा है आपने ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, चलिए ये चीज है, प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कैन बी ग्रेट स्टेप टू स्टार्ट ऑफ योर कैरियर। आप आराम से अपनी बीसीए करने के बाद इस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में अपनी जॉब कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सारी चीजें। मतलब बीसीए तो 3 साल आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद से आपको अच्छे तरीके से बढ़िया प्रोग्रामिंग सीख ली, बहुत सारी प्रोग्रामिंग, किस चीज के लिए क्या प्रोग्रामिंग बेस्ट होगा इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेके आएंगे कि हमें अगर ये कोर्स करना है, ये आपको कैरियर में जाना है, तो उसके लिए कौन से ऐसे प्रोग्राम होंगे या कौन से ऐसी चीजें होंगी जिसको करके हम अपना अच्छा सा जॉब या कोई भी चीज उसको मैं बढ़िया तरीके से करनी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लॉकचेन डेवलप्स। ओके, डेवलप हम देख लेते हैं, यू कैन अर्न लुक्रिएटिव सैलरीज इन दिस न्यू एज एम्प्लॉयिंग सेक्टर विथ एडिशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन। द जॉब रोल यूजली इन्वॉल्व्स डीलिंग विथ ब्लॉकचेन। मतलब किसी भी चीज को कैसे डील करना है वो सारी चीजें आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ओके, टेक्नोलॉजी टूल्स सच एज इथर्म एंड बिटकॉइन प्रोटोकॉल, सॉलिड सॉलिडिटी एंड जावा सिंपलन, मतलब जावा हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ब्लॉकचेन बूट कैंप कैन बी अ ग्रेट वे टू स्टार्ट योर कैरियर
करियर एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपको ये सारी चीजें आना जरूरी है। अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो ये सारी चीजें होती हैं कि ब्लॉकचेन अगर आपको बनना है तो बीसीए में आपको ये सारी चीजें, अभी आफ्टर बीसीए आप ये सारी चीजें सीखेंगे। सैलरीज कैसे है, कैसे किसी चीज को हमें इन क्रिएटिव करना है, इंक्लूडिंग करना है, एडिशनल को, सारी चीजों को यूजुअली कोई भी रोल है तो उसको डीलिंग करना, ये सारी चीजें हम किसमें सीखेंगे, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ओके, तो ये चीजें थी कुछ। नेक्स्ट आपका ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं ऐसा आशा करती हूँ कि जो भी मैं आज सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की थी टॉप 10 कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीसीए के बारे में, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी डियर तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें लेटेस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे काफी यूजफुल वाली, तो अगर आप सब्सक्राइब के साथ साथ अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ओके, तो ये कुछ चीजें थी। बहुत दिन से, काफी दिन से बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कैसे कौन कौन से जॉब के, मतलब बीसी के बाद हम क्या जॉब करते थे, तो ये चीजें थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये सारी चीजें बताई जाएगी। तो जो भी मैं आज सारी चीजें आपको बताई हूँ, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आप लोगों को आएंगे कि आपकी जो भी सारी चीजें होंगी वो, तो ये आपके टॉप 10 जो कैरियर ऑप्शंस थे, मैंने ये पहले आपको टॉपिक बताया, इस टॉपिक के अंदर क्या कंटेंट है, कैसे है, क्या करना होता है, वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। और हाँ, एक बात और भी हम आपको बता दें कि अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो आपका जो अपना परिवार है यूनिक ग्रुप, ये आप लोगों के लिए बीसीए का कंप्लीट क्लास करा रहे हैं 2024-25 के लिए, और ओ लेवल की भी क्लासेस चल रही है। अगर जो भी स्टूडेंट जनवरी 2025 में ओ लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो जा करके कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे जाना है प्ले स्टोर से, यूनिक ग्रुप ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे आपको बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका संकल्प बैच चल रहा है, कंप्लीट सिलेबस आप ज्वाइन करिए। ओ लेवल के लिए भी संकल्प बैच का चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होगी तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर विजिट कर दे रही हूँ, आप यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐप के डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहाँ पे भी हमें विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है डियर, तो आप यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं इन नंबरों पे। ओके, तो ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। तो चलिए, कहते हैं ना कि नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल आपकी ख्वाब बन जाए। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।